जी हाँ दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के आइडिया एबीसी चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको तूफ़ानी कूलर, और ये बड़ा ख़तरनाक कूलर है। इसकी हवा भी बहुत तेज़ होती है, और ये आप देख सकते हैं, ये मेरे ख्याल से 5 फीट का कूलर है। तो इसकी ऊंचाई आप देख सकते हैं, और इसमें टैंक भी बहुत बड़ा। तो इस कूलर की आपको और जानकारी देता हूँ, तो चलिए दिखाता हूँ सही से। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये कूलर जो है बहुत बड़ा कूलर है। 5 फीट की इसकी हाइट है, और इसका डायमेंशन भी आप लोग देख सकते हैं किस तरीके का है। और इसका टैंक देखिए, बिल्कुल 100 लीटर का टैंक है, बहुत बड़ा टैंक है इसका। मेरे ख्याल से 100+ होगा। और जब ये हवा फेंकता है, बड़ा तूफ़ानी फेंकता है। और एक तो इसके नीचे टैंक लगा हुआ है, और एक इसके ऊपर दिया हुआ है। चलिए तो मैं ये चालू करके दिखाता हूँ आपको ऊपर का टैंक। तो ये पंप इस पर लिखा हुआ, तो देखिए इसको मैंने ऑन किया, तो ये यहाँ पर ऐसे इस तरीके से पानी आने लगता है इसमें। अब पानी आता है, और यहाँ पर साइड में इसमें दिए हुए हैं छेद, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए इस साइड में इसके छेद बने हुए हैं, यहाँ से पानी नीचे के लिए यहाँ पे आता है। ये देखिए यहाँ पे गिर रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पे पानी गिरता है। तो ये बड़ा चिल्ड सी हवा फेंकता है, इतना हाई स्पीड इसमें मोटर लगी हुई है 1 किलोवाट की। तो ये बिल्कुल एसी जैसा काम करता है। तो चलिए मैं इसको भी चला के दिखाता हूँ, और देखना ये पर्दा है, देखना कैसे उड़े। ये मैंने इसको ऑन करा, अब ये देखो, तो आप इसकी हवा देख सकते हैं ये कितना तेज सा चल रहा है। और ये मुझे देखिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा फेंकता है, बहुत तेज़ी से फेंकता है। देख सकते हैं मेरे कपड़े बिल्कुल उड़ रहे हैं, या चादर वगैरह जो भी होता है ये सबको उड़ा देता है। तो मैं इसे अब ऑफ कर देता हूँ और बताता हूँ इसके बारे में। तो पानी तो चल ही रहा है, इस पर फ्लू हो रहा है ऊपर के लिए। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो पर लगा हुआ बहुत बड़ा लगा हुआ है इसके अंदर, और 1 किलोवाट की मोटर लगी हुई है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल इस पर लिखा है समर किंग एयर कूलर, लेकिन ये समर किंग एयर कूलर का नहीं है, ये बिल्कुल बनाया हुआ कूलर है। मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। देखिए जैसे ये एक पार्ट्स इसका ये है बना हुआ, एक पार्ट्स ये है, और एक पार्ट ये, 3 पार्ट्स में बना हुआ है, और एक फ्रंट 4। तो ये देखिए यहाँ पर इसका पार्ट्स जो है ना, इसको ऐड करके नट बोल्ट से कस दिया गया है, और इसको भी यहाँ पे नट बोल्ट से कस दिया गया है। इस तरीके से ये पूरा कूलर बनाया गया है। और इसमें ये इसको घास बोलते हैं, ये घास बोलते हैं, और एक दूसरी वाली आती है हनीकॉम वाली, तो वो अलग होती है घास, लेकिन काम सभी अच्छा करती हैं, लेकिन वो जल्दी मिलती नहीं है। ये वाली मिल जाती है नॉर्मल जो होती है ये अपनी घास, तो ये बढ़िया रहती है। और इसको आप चेंज भी कर सकते हैं खोल के, और ये चेंज करने वाला हो भी गया है मुझे लगता है। और सबसे बढ़िया बात क्या रहती है, क्या नाम है, अपने लोहे के कूलर में पानी अगर आपका गर्म है, तो जब वो ऊपर नीचे अप डाउन करता है तो वो ठंडा हो जाता है, सबसे बढ़िया बात है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।